तो हमारा स्पेशल सेगमेंट भसीन के बेहतरीन शेयर। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। मुंबई उदयपुर का चक्कर लगाकर भसीन साहब दिल्ली में फिर से हाजिर हो गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बताइए कोई अपडेट है तो वो बताइए, और बाजार पर आपका क्या व्यू बन रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, आपको भी, सृष्टि को और डिम्पी को भी। तो शनिवार सुबह 5:30 से 6 सिद्धिविनायक की आरती की, कल सुबह 5 बजे मंगला आरती की जी, श्रीनाथ जी की, और आज आ गए दिल्ली वापिस आपके साथ जुड़ने। तो यही क्या हाथ बात जोड़े है, हैं कि जी बाजार अच्छा रखिए, इन्वेस्टरों की खुशहाली रखिए और देश को तरक्की दीजिए, और ईटीस नाउ स्वदेश को और कामयाबी दीजिए। तो ये तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होती है। शेयर मार्केट से जुड़ा आदमी यही कहेगा कि सबके पैसे बने। हाँ, उस दिन आपको फ्राइडे को बहुत अच्छे कॉल भी दिए थे, वो भी चल गए। हिंदुस्तान कॉपर 3 दिन में 15% बढ़ा है, कॉपर प्राइसेस आर एट न्यू हाई, 3-year हाई। आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट कहा था, वो 11-12% बढ़ा है, वो अभी मुझे लगता है शुरुआत है, इसकी री रेटिंग होगी इस साल में दुगना। तीसरा था फेडरल बैंक, अभी भी मैं कहूंगा फेडरल बैंक इज द बेस्ट मिड कैप बैंक जो आपको लेना चाहिए। आंखें बंद करके लीजिए, 190 का टारगेट इस साल में आएगा, उससे माने उस साल के मिडल तक ही आ सकता है। मैं और आपको अपडेट भी दे दूं, आपको मैंने मारुति कहा था, और HDFC बैंक वो मेरी टॉप ऑफ द लाइन है, SBI लाइफ वो भी मेरी टॉप ऑफ द लाइन है। हाँ, HPCL में और BPCL मैंने दिए थे, वो स्टॉप लॉस हो गए ट्रेडिंग की वजह से, और उनमें अगर आपकी ट्रेडिंग पोजिशन थी तो जो आपको स्टॉप लॉस था निकलना है। ये मैं नहीं कह रहा खराब है, लेकिन अभी जो रुझान है वहां PSUs में, OMCs में थोड़ा सा प्रेशर बने रह सकता है बिकॉज ऑफ द प्राइस कट, जबकि मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी लेने की है। लेकिन ट्रेडिंग कॉल जो दी थी वो आपको मैं ये भी बता दूं कि वो बिकॉज ऑफ दैट मूव दैट डे ऑन डाउन साइड वो स्टॉप लॉस हो गए थे। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल, भसीन साहब शुरू कीजिए, बताइए कौन सी आज की पिक्स हैं आपकी। हाँ, तो देखिए पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि फेडरल बैंक और हिंद कॉपर में बने रहिए। मैंने रैमको सीमेंट भी कहा था, वो भी फ्राइडे को गेनर था। सीमेंट प्राइसेस आज जस्ट राउंड द कॉर्नर के प्राइस हाइक होगी, और आपको पता है द अर्स्टवाइल मद्रास सीमेंट कंपनी आज की डेट में सबसे बेस्ट वैल्यूएशन पे है ऑन एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा और मल्टीपल। वो और फेडरल बैंक दोनों मेरे अभी भी पिक है, 165 मैंने टारगेट दिया, और फेडरल बैंक का वो जरूर आएगा। आज मेरे को दोनों है प्राइवेट इंश्योरेंस पसंद है, ICICI प्रू 565 में लीजिए, टारगेट है 648 का, 625 का, 548 का स्टॉप लॉस। इसने 625 का टारगेट एक हफ्ते पहले मारा था, ये वापस रीटेस्ट करेगा। दूसरा पिक है HDFC लाइफ। मेरे को HDFC लाइफ में जो अब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, ये सबसे आउट परफॉर्म होगा SBI लाइफ के बाद। 675 का पहला टारगेट है, ये 725 भी जा सकता है बाय द वे, जो इसने मारा था जब एक्साइड की इसने लाइफ इंश्योरेंस एक्वायर की थी अबाउट 1.5 ईयर बैक। तो मुझे लगता है 675 का पहला टारगेट, 725 का दूसरा, और स्टॉप लॉस है 605। और यहाँ अगेन मैं बाय दे रहा हूँ बाटा पे, आज फिर कंज्यूमर स्टॉक्स पे बाय रिपोर्ट आ रही है, बाटा यहाँ आउट परफॉर्म करेगा। जैसे ही आप देखेंगे द चप्पल मूव फ्रॉम कैंपस टू बाटा, और जो जूते हैं उनमें तो आपको वेयर एंड टियर आ रहा है, एज अ ब्रांड एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बाटा विल रेन सुप्रीम। तो बाटा मुझे 1550 का टारगेट दिख रहा है, 1367 का स्टॉप लॉस। तो ये कॉल्स आज के भसीन साहब की तरफ से। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, वीकेंड पे इलेक्शंस की डेट भी सामने आ गई है, 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, और कैसे देख रहे हैं जरा बाजार 19 अप्रैल तक, और 19 अप्रैल के बाद किस तरीके की बाजार की चाल रहेगी, क्या कुछ फैक्टर्स रहेंगे जो कि इस चाल को डिफाइन करेंगे आपकी तरफ से? हाँ, गुड मॉर्निंग। नहीं सृष्टि जी, ये तो सूद शेयर का काम है, इतना मैं नहीं क्वालिफाइड, मगर मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ 25-26 के बाद आपको बहुत अच्छी रैली आएगी टिल मिडल ऑफ अप्रैल, वहां हल्का होने का है। और इलेक्शन से पहले या जो भी है आपकी स्ट्रेटेजी, यू शुड फर्स्ट वे जो कलर आएगा अर्निंग्स का, जो ग्लोबल मैक्रोज आएंगे। बट अगर रैली वापस आती है तो एक बारी आपको थोड़ा सा इस बारी कैश रेस करना चाहिए, यू मस्ट टेक सम प्रॉफिट बिफोर द इलेक्शन, क्योंकि इलेक्टोरल वर्डक्ट कैन बी वॉलेटाइल। मैं ये नहीं कह रहा पॉजिटिव नेगेटिव, 99% पॉजिटिव उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है, उसके ऊपर वी विल सी के क्या रिफॉर्म के मेजर्स एंड सो ऑन। लेकिन मेरी सजेशन ये है, पहली इलेक्शन की डेट से पहले
प्रॉफिट टेकिंग का एक बाउट जरूर आएगा। पहले आप न्यू हाई देखेंगे 21-22,500 का, वहां पे थोड़ा सा घर प्रॉफिट ले जाइए। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपने शेयर्स भी बताया, थोड़ा बहुत आपने हिंट भी किया हमको कि कैसे इस चुनाव के नंबर्स को प्ले करना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।